तब है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। हाय रमेश, थैंक यू सो मच फॉर, कैसे हैं सर? कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है, हम दोनों की एक जैसी हाल है, घर के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट आई होप कि बहुत जल्दी ये लॉकडाउन जो है खत्म हो जाएगा एंड थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि थोड़ी सी डिले हो रही है, जल्दी जल्दी आपकी मूवी रिलीज हो, यानी कि निर्मल आनंद की पप्पी की हम बातें कर रहे हैं। सुबह ही हमारे साथ डायरेक्टर संदीप मोहन थे, उन्होंने बताया कि अगस्त तक वे प्लान कर रहे हैं इस मूवी को रिलीज करने की। ओवरऑल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, करणवीर अगर हमारे साथ शेयर करें प्लीज। अनिमेश, ये कोइंसिडेंस है कि आज ही वैसे मूवी रिलीज होनी थी, मतलब हमने प्लान किया था कि आज के दिन ही मूवी रिलीज होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा डिले जरूर हो गया है। सो बट वी आर प्रीटी होपफुल कि मे बी बाय अक्टूबर और नवंबर इंशाल्लाह मूवी रिलीज हो जाएगी एंड लेट्स सी, एंड आई होप के लोगों को मूवी पसंद आएगी बिकॉज निर्मल आनंद की पप्पी इज बेसिकली स्टोरी ऑफ एन अर्बन कपल, मतलब इसको मिड लाइफ क्राइसिस बोल सकते हैं, एक आम इंसान की कहानी। तो जो निर्मल आनंद है इसके अंदर, वो मैंने प्ले किया है एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, तो मुझे बताना चाहेंगे, जैसे कि मेरी बातें हो रही थी संदीप सर के साथ, जब बातें हुई थी उन्होंने बताया कि करण को लेने का फायदा यह है कि करण को जैसे आप सजाओगे, जैसे आप बोलोगे, वैसे मोल्ड हो जाते हैं, और एक बहुत अच्छे एक्टर है क्योंकि थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ काम करके, संदीप सर के साथ काम करके कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं कहूंगा कि संदीप सर हैज बीन टू काइंड एक्चुअली एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। सबसे ज्यादा खासियत की बात संदीप सर के बारे में ये है कि ही इज वेरी फ्लेक्सिबल एक्चुअली, वो अपने एक्टर को बिल्कुल ना छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी कोई बंदिश नहीं है। सो उससे आपको मतलब एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। सो वी ट्राइड, लाइक मैंने, जिलियन ने, सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज इतने कम समय में हमारा वक्त बहुत कम था एक्चुअली, 21 दिनों के बीच में हमने शूट पूरा किया। सो द एंटायर क्रू वॉज वेरी सपोर्टिव, माय को-स्टार्स वर वेरी सपोर्टिव एंड कैप्टन ऑफ द शिप तो है ही है संदीप सर, नो डाउट अबाउट दैट। बिल्कुल, तो करण मुझे ये बताइए कि हमने देखा है कि संदीप सर के जो मूवीज के जो टाइटल होते हैं वो काफी अलग होते हैं, जैसे कि इस मूवी का भी टाइटल जो है काफी अलग है। ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को हिट बनाने के लिए थोड़ा कैची कुछ रखना पड़ता है, तो उनकी प्रीवियस मूवीज के नाम भी काफी खतरनाक और दूसरे तरह के थे, और इस मूवी का नाम भी है निर्मल आनंद की पप्पी। जब आपने सुना ऐसा नाम है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा? जब मैंने नाम सुना था जी, ऑब्वियसली जब मैंने भी पहली बार नाम सुना तो आई वाज यू नो लाइक के, क्योंकि बहुत हटके है टाइटल निर्मल आनंद की पप्पी। तो सी निर्मल आनंद तो ठीक है एक आदमी हो गया, लेकिन अब पप्पी के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। पप्पी कैन बी अ पप आल्सो, पप्पी कैन बी अ किस आल्सो। सो मूवी के अंदर हमने यू नो इसके बहुत सारे एंगल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश तो की है, मैं अभी आपको रिवील नहीं कर सकता कि पप्पी बेसिकली है क्या। सो इट्स अप टू द ऑडियंस और एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि लोगों को बहुत पसंद आएगी बिकॉज़ इट्स अ वेरी यू नो लाइट हार्ट मूवी। ओके, तो मुझे बताना चाहेंगे जो ये 21-22 डेज की आप बता रहे हैं कि शूटिंग हुई थी, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि खुशबू भी नजर आ रही है और आपकी जो पूरी टीम है कि नई टीम है जो सब नए नए टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था लेकिन बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली बिकॉज इतने कम समय में और सभी को एक्टर्स को यू नो लाइक जो पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं है, स्पेशली मैं और जिलियन, मतलब हम सेट से दो दिन पहले ही मिले थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अब इतने कम समय में आपको पोर्ट्रे करना है कपल का रोल, तो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में यू नो देयर इज अ डिफरेंस। मतलब हम कह सकते हैं कि नहीं अगर कोई बंदा मैरिड है या आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप जिस इंसान को पहले जानते नहीं हो, आप दो दिन पहले ही मिल रहे हैं सेट से और आपको यू नो यू हैव टू मेक इट सो बिलीवेबल कि लोगों को लगे कि हाँ सच में ये एक कपल है यू नो इनका क्राइसिस, क्योंकि एक कपल के बीच में यू नो लाइक नॉर्मल इमोशंस बहुत सारे होते हैं, यू आर हैप्पी आल्सो, यू आर सैड आल्सो, आपकी नोक झोंक भी होती है। सो वी
had the biggest challenge ke itne kam samay mein Jillian aur mujhe, like we had to make it so believable ke lage ya ke ha ye ek sach mein ek urban couple hai, kyunki wo bahut normal log hain. Yeah. Jaise hum, you know, aapke Nirmal Anand koi bhi ho sakta hai, wo main ho sakta hu, aap ho sakte hain, koi bhi ho sakta hai. So that was the biggest challenge. Aur dusra challenge ye tha mere liye ke mujhe bahut sara weight cut down karna pada. Yeah. I was very bulky. इससे पहले मैं एक मूवी करके आया था, उसके लिए मुझे मैंने वेट पुट ऑन किया था बहुत सारा. तो इतने कम टाइम में मुझे वेट कट डाउन करना था ताकि मैं एक नॉर्मल इंसान लग सकूं. सो बट इट वाज फन बिकॉज़ आई थिंक हमारा जो क्रू था, क्रिश हमारे डीओपी थे एंड यू नो लाइक बाकी दे वर सीनियर एक्टर्स लाइक सलमान शरीफ, दे वर वेरी सपोर्टिव. खुशबू वाज देयर एंड इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था मुझे पहले मूवीज का, बट स्पेशली संदीप सर, दे वर सो सपोर्टिव एंड यू नो लाइक कैसे हो गया मालूम ही नहीं. बिल्कुल बिल्कुल करण, हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे चैलेंजिंग रोल्स करते रहे, लेकिन मुझे ये बताइए आने वाले 10 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, किस तरह की चीजें आपने सोच रखी है, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या सोचा है आपने? अमीश, सोचने से कुछ होता तो बात ही क्या थी, लेकिन सोचते हम बहुत कुछ है, मतलब बट यू नो ऊपर से लॉकडाउन भी आ गया, कोरोना भी आ गया, बिकॉज यू नो मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो दिमाग में पहले कभी था ही नहीं कि मुझे मूवीज में आना है, मुझे स्टार बनना है या मुझे यू नो ए लिस्टर बनना है, सो कॉल्ड जो आजकल टर्म्स चलती हैं. बाय चांस मैं कोई प्ले कर रहा था, वहां पे मुझे संदीप सर ने देख लिया, ऐसे मुलाकात हुई धीरे धीरे धीरे. इनकी पहली मूवी थी शिलांस, उसमें मैंने छोटा सा किरदार किया था. सो मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मुझे मूवीज के अंदर ही आना है. नॉर्मली नहीं तो होता कि नहीं यार मुझे सीरियल्स करने हैं, मुझे मूवीज करनी है. मेरा ऑनेस्टली ऐसा कोई वो प्लान नहीं था. और आगे ऑनेस्टली अगर मैं आपको ये बताऊं कि किस तरीके की मूवीज करना चाहता हूं, तो मैं सीरियसली लाइक जैसे इंडिपेंडेंट सिनेमा है, बिकॉज इसमें एक एक्टर को एक्सप्लोर करने का बहुत मौका दिया जाता है, मैं मानता हूँ, अगर आप सीरियसली उसको परस्यू करना चाहते हैं. सो मेरा जो 10 ईयर प्लान तो नहीं है, बट लाइक माई एम इज के अच्छी फिल्में मिलें, किरदार मैटर नहीं करता बड़ा है छोटा है कि लीड है नहीं है, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं आज तक. सो लेट्स सी आगे क्या होता है एंड होपफुली अभी 2-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन के अंदर एंड बहुत जल्दी बाहर आएंगे, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा. तो बिल्कुल बिल्कुल वेब सीरीज हैं, कुछ मूवीज हैं लेकिन जिनकी टिपिकल बॉलीवुड नहीं है, तो ये मेरा जरूर टारगेट है कि नहीं मुझे थोड़ा नॉर्मल अच्छा कुछ मिले, कि अगर कल को मैं अपना रिज्यूमे देखूं 10 साल के बाद कि मैंने क्या काम किया है, तो आई शुड बी प्राउड ऑफ इट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि अच्छे अच्छे रोल्स आप करें. करण, पीछे बहुत सारी किताबें नजर आ रही हैं सर, ये क्या किताबें हैं, थोड़ा बताएंगे? किताबों के अमीश, मुझे आई एम एडिक्टेड टू बुक्स एक्चुअली. क्या बात, बुक्स के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है ऑनेस्टली. बुक्स जो मैं टिपिकल कोई एक सेक्शन नहीं पढ़ता हूँ, लाइक आई लाइक फिक्शन आल्सो, नॉन फिक्शन, साइंस, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड. सो अगर आप देखोगे तो बायोग्राफीज हैं, देयर इज यू नो थॉमस अल्वा एडिसन, उनकी बायोग्राफी भी है, और आपको यू नो लाइक देयर आर सो मेनी ऑथर्स, देयर इज सोमरसेट मॉम, देयर इज यू नो लाइक जोनाथन मोर, डॉकिंस. सो क्या बात है, क्या बात है. नहीं, मैं क्लास 6-7 तक ही पढ़ा हूँ, उसके बाद ही रेडियो जॉकी बन गया था, हम आरजेस पढ़ाई करते नहीं है. बुक्स अभी एक्चुअली कम है, मम्मी ने डाल दिए पीछे कहीं. ओके नहीं नहीं, आप ऐसे ही अच्छे अच्छे रोल्स करें और किताबें भी पढ़ते रहें. वैसे मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा, जब हम निर्मल आनंद की पप्पी की बातें कर रहे हैं, गाने भी अच्छे लग रहे हैं लोगों को, एक गाना जो है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बातें हो रही है शहर की मधुरानी की, 1960 का कुछ फील जो है दिया गया है, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, कैसा रहा इस गाने के बारे में? Amish, honestly, that was the, you know, like, tricky part. क्योंकि 60s का दौर दिखाया है उसमें, हमने ट्राई किया है. Actually, movie में you know, like, एक twist ले लेती है movie. मैं बताऊंगा नहीं आपको, you have to watch the movie. So, मैं ना हमेशा सोचता था कि बहुत आसान होता है लिप सिंक करना है ना गानों पे, you know, like, ठीक है पीछे गाना बज रहा है और आपको कैसे आपको होंठी तो लाने हैं. But honestly, trust me, it is very difficult. एक्सपीरियंस एक्टर के लिए भी
आई बिलीव दैट अगर आप किसी से पूछेंगे भी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड स्पेशली गाना हो अगर 60s 70s की दौर का, जैसे देवानंद की मूवीज थी पहले पुरानी, अगर आप देखेंगे टैक्सी चला रहे हैं वो और यू नो लाइक पीछे हीरोइन बैठी है, या किशोर कुमार होते थे, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. और बट आई वॉज यू नो आई फील फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला अपना वो साइड एक्सप्लोर करने का जो मैंने भी कभी नहीं किया था, बिकॉज रियल लाइफ में आई एम अ वेरी सीरियस एंड यू नो लाइक चुपचाप रहने वाला आदमी, सो दैट वॉज अ बिग चैलेंज. सो बहुत मजा आया, एंड खुशबू वॉज मार्वेलस, मैं क्या बोलूँ, लाइक इट वॉज अमेजिंग. बिल्कुल, इस गाने को जिन लोगों ने नहीं देखा उनको देखना चाहिए, इस मूवी का हम सभी को इंतजार है. वैसे मुझे ये बताते जाइए करणवीर कि आपकी पहला आपका पहला प्यार क्या होगा, थिएटर या फिर मूवीज? पहला प्यार अमीश, 2020 में पहला प्यार तो रहा ही नहीं जी. यू कैन फॉल इन लव अगेन एंड अगेन, यू नो लाइक ये तो. So, लेकिन लेकिन थिएटर ज्यादा पसंद है आपको कि आप अभी मूवीज में एक्टिंग करना ज्यादा आपको पसंद आ रहा है? ऑनेस्टली थिएटर स्पेस बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू मूवीज. अब थिएटर मैंने 10 साल कर लिया एक्चुअली, तो अगर थिएटर में कुछ नया नहीं मिलने को, कोई काम नहीं मिलता, कुछ नया रोल एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा, तो कोई लाइक आई डोंट वांट टू गो इन दैट स्पेस. मूवीज मूवी एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग लाइक थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड दोनों की अपनी अपनी खासियत है. लाइक जैसे यू नो लाइक बाद में सभी फिल्मों की अपनी अहमियत है, सो आई कांट कंपेयर, आई कांट से कि ये मेरा फेवरेट है, यू नो दैट विल बी अनजस्टिस टू से दैट. ओके, फ्यूचर ऑफ थिएटर इन इंडिया आपको क्या लगता है? अमीश, फ्यूचर ऑफ थिएटर, इट इज यू नो लाइक इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूथ. जो आज की यूथ है, यू नो लाइक फ्यूचर बहुत अच्छा है, बिकॉज यू नो लाइक इवन इन थिएटर ऑल्सो अब रियलिज्म में हम ज्यादा जा रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, एंड यू नो इस तरह के इश्यूज पे प्लेस हो रहे हैं स्पेशली इन सिटीज लाइक बॉम्बे दिल्ली. अभी चंडीगढ़ में स्टिल यू नो लाइक काफ़ी पीछे हैं इफ आई कंपेयर यू नो थिएटर स्पेस एज कम्पेयर टू बॉम्बे, बट अब थिएटर भी ज्यादा रियलिस्टिक हो रहा है. इवन मूवीज भी अगर आप देखो, अब एक ट्रेंड आ रहा है, मतलब अब लोगों को वो नहीं पसंद कि जो यू नो आज से 10-20 साल पहले होता था कि एक लड़का है एक लड़की है, यू नो लाइक वो सब देख लिया हमने, तो वी वांट इट टू बी रियल कि हर आदमी उससे रिलेट कर पाए, व्हाट आई फील. सो अगर थिएटर का मीडियम हो, चाहे वो यू नो लाइक सिनेमा का मीडियम हो, अगर हम इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम काम करें कि भाई जिससे आम इंसान रिलेट कर पाए, आई थिंक फ्यूचर इज रियली गुड. बिल्कुल है, बिल्कुल. तो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, सुन रहे हैं, उन सभी से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मूवी रिलीज होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, निर्मल आनंद की पप्पी, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से, अपने फॉलोअर्स से, अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं बस ये कहना चाहूँ कि अभी यू नो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त का दौर चल रहा है हम सभी के लिए, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप है ना घर में हमें कैद करके बिठा दिया है, इट्स लाइक रियली अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है, बट वो दिन में नहीं थे तो ये भी नहीं रहेंगे. आई एम प्रीटी होपफुल कि बहुत जल्दी थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल, एंड सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. हमको यू नो ऐसे सोचना चाहिए कि कितने टाइम के बाद यू नो लाइक हम अपने फैमिलीज के साथ वापस यू नो यूनाइट होकर हम घर में के अंदर बैठे हैं, नहीं तो नॉर्मली हम टाइम ही नहीं दे पाते. आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, आप अपने पेरेंट्स को नहीं टाइम दे पाते, अपने आप अपने पार्टनर को नहीं दे पाते टाइम. सो जब तक कैद हो, सो यू नो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम. मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, आप यू नो लाइक इफ यू कैन रीड यू शुड रीड, यू नो वॉच गुड सिनेमा, लाइक यू नो लाइक द नंबर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नाउ. अब तो आपको ये भी कंप्लेंट नहीं है कि नहीं यार अच्छी मूवी नहीं थी मैं नहीं देखूंगा, अब तो वो बहाना भी नहीं है. सो आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए. तो ऑनेस्टली मैं भी यही कर रहा हूँ ट्राई, एंड इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, बट होपफुली यू नो लाइक थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल. बिल्कुल. करण, कभी कोलकाता आना हुआ है आपका? अभी तक तो नहीं, आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ नॉर्मल होते ही, नॉर्मल होते ही मैं चाहूंगा आप कोलकाता. बिफोर द मूवी वी माइट प्लान टू कम टू कलकत्ता, लेट्स सी. बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप हमारे स्टूडियो में आए, वहां पर बैठ के और भी ढेर सारी हम बातें करेंगे. थैंक यू सो मच करण हमें समय देने के लिए, आपकी मूवी के लिए, निर्मल आनंद की पप्पी के लिए ऑल द बेस्ट. ये मूवी लोगों को पसंद आए और आप आने वाले दिनों में भी ऐसे ही अच्छे अच्छे रोल्स करते रहे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Mish. Thank you. Thanks. Take care. All the best. Thank you so much. Bye. Bye.